विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में 50 किग्रो वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस प्रकार भारत गोल्ड मेडल से केवल एक कदम दूर है। विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल मुकाबले में क्यूबा की यूसेनेलिस गुजमैन को 5-0 से हराया। पिछले कुछ साल विनेश के लिए चुनौतीपूर्ण रहे। रियो ओलंपिक 2016 में चोट की वजह से वह मेडल हासिल नहीं कर पाई और टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में ही हार गई थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से तैयार होकर लौटी है। विनेश ने 2016 के रियो खेलों में ओलंपिक में अपनी शुरुआत की। 2016 रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में घुटने की चोट के कारण उनकी मेडल की उम्मीद टूट गई थी, जब वह 48 किग्रा के क्वार्टर फाइनल में चीन की सुन यानान से हार गई। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी वह क्वार्टर फाइनल में 53 किग्रा वर्ग में वनेसा कलादिनस्काया से हार गई थी। विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने लगातार 3 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश को निलंबित कर दिया था। साल 2023 भारतीय कुश्ती जगत में विवादों से भरा हुआ था। विनेश लंबे समय से तत्कालीन WFI अध्यक्ष ब्रिज भूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थी, जिन पर यौन उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगा था। विनेश ने अपने साथी पहलवानों के साथ मिलकर उनके इस्तीफा की मांग की। विनेश का फाइनल मैच अब 7 अगस्त यानी कि आज होगा, जिसमें उनका मुकाबला USA की सारा हिल्डे ब्रांड से होगा। यह मैच रात 11:23 पर खेला जाएगा। अगर विनेश यह मुकाबला जीत जाती हैं, तो वह गोल्ड मेडल अपने नाम कर लेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। और इसी बीच बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, जो अब सांसद भी बन चुकी हैं, अक्सर किसी न किसी कारण से चर्चा में बनी रहती हैं। कभी अपने स्पष्ट बयानों के कारण तो कभी अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से वह खबरों में रहती हैं। हाल ही में वह अपने पोस्ट के कारण फिर से सुर्खियों में आई है, जिसमें उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 को लेकर विनेश फोगाट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही कंगना ने इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की है। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर तिरंगे के साथ विनेश फोगाट की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, भारत को उसका पहला गोल्ड मेडल मिलने की दुआ कर रही हूँ। विनेश फोगाट ने एक समय आंदोलन में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने मोदी के खिलाफ नारा लगाया था। इसके बावजूद उन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उन्हें बेहतरीन प्रशिक्षण, कोच और सुविधाएं मिली। यही लोकतंत्र और एक अच्छे नेता की विशेषता है। गौरतलब है कि पिछले साल विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रिज भूषण सिंह शरण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए वह कुछ समय के लिए कुश्ती से दूर रही। हालांकि अब विनेश फोगाट ने ओलंपिक में इतिहास रचकर देश का नाम रोशन भी किया है। आज वह अपना अगला मैच खेलने जा रही है। अगर आपको उनका अगला मैच देखना है, तो अपनी नींद तो खराब करनी ही होगी।